गाइस मेरे पास एक लॉजिटेक G923 रेसिंग व्हील और एक है फुल्ली ड्रिफ्ट बिल्ड टोयोटा सुप्रा। तो गाइस दिक्कत ये है, मेरे को टोयोटा सुप्रा ड्रिफ्ट करने के लिए चाहिए एक हैंड ब्रेक और वो मेरे पास है नहीं। तो चलो जाते हैं इंटरनेट पे सर्च करते भाई कुछ मिलता है तो। मैं ड्रिफ्ट कर सकता हूँ, ये देखो जैसे मैंने सर्कल पे अभी अपनी हैंड ब्रेक सेट कर रखी है तो इससे लगती तो है बट वो रियल वाली फील नहीं आती ना, और इतना अच्छा खासा मैं ड्रिफ्ट भी नहीं कर सकता। एक बार दिखाता हूँ आपको। ओ भाई क्लोज कॉल। वो 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 गाइस मेरे को हैंड ब्रेक मार के मैं ठीक कर लेता करूँ। यहाँ पर एक खींचने के लिए एक हैंड ब्रेक हो ना वो नहीं है मेरे पास, और आपको मैं अपना पूरा सेट दिखा। यहाँ पर है मेरे पास पेडल्स, ये रहा स्टेरिंग, कीबोर्ड को मैं साइड में रखता हूँ यहाँ पर, और माउस यहाँ पर रहता है। ये रहा पूरा सेटअप मेरा, वहाँ पर मेरा कैमरा माइक एंड ये दोनों चड्डी बड्डी। तो चलो चलते हैं गूगल पे और सर्च करता हूँ। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं पीसी की स्क्रीन पे, अब चलते हैं और सर्च करते हैं कुछ गूगल पे। हैंड ब्रेक फॉर सिम रेसिंग, लेट्स गो। भाई साहब ये क्या है, एक हैंड ब्रेक यहाँ पर 3,000 रुपये का, USB हैंड ब्रेक 16 मीटर, भाई 10,000 रुपये का हैंड ब्रेक, अबे 35,000 का हैंड ब्रेक, ये क्या है, मतलब 35,000 रुपये तुम एक हैंड ब्रेक के दे रहे हो खाली उस खींचने के लिए। एक 13,000 का, 6,000 का, एक ये मिला भाई जो कि 4,000 तक का है ऑलमोस्ट, 7,000, 6,000, 35,000 का एक और। मैं है क्या भाई ये 35,000 वाले पे, ऐसा तो कुछ है नहीं गाइस ये। भाई छोड़ो भाई खरीदना तो, अब एक ही समाधान है जो कि भाई हमारे YouTube बाबा। चलते हैं YouTube पे और ढूंढते हैं कोई DIY हैंड ब्रेक, हाउ टू मेक हैंड ब्रेक फॉर सिम रेसिंग एट होम। फाइनली सर्च कर दिया है एंड भाई काफी सारी वीडियो आ गई यार। एक है जिसपे 1.4 मिलियन व्यूज, मेरे को तो यही सा लग रहा है इसमें भैया ने फ्री लिखा हुआ है, मतलब मुफ्त में भाई। भाई ये रियल हैंड ब्रेक से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेट्स मेक वन। ये क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड खोल दिया, भाई मैं इसे नहीं खोलने वाला। गाइस ये पार्ट को स्किप करते हैं और देखते आगे क्या है। भाई अंदर से क्या पीसी भी निकाल दिया कीबोर्ड के अंदर का। ओके नाउ वी एड स्विच, ये क्या होता है, और एक गाड़ी में क्यों जा रहा है भाई, ब्रेक के नीचे से ये निकाल दिया, वाह। क्या करने की कोशिश कर रहे, रुको इन्हें निकाला यहाँ से स्विच, फिर पीसीबी से कुछ कनेक्ट कर दिया। ओके पी 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 वी, अच्छा मतलब यहाँ से इन्हें एक स्विच बना दिया, इसको कनेक्ट कर दिया पीसी से। भाई ये क्या है, पोछा, अच्छा पोछे से स्विच को दबा रहे हैं हैंड ब्रेक की तरह। भाई साहब माइंड ब्लोइंग। तो गाइस मैं वो वीडियो देखता है बट वो हैंड ब्रेक को बनाने के लिए हमको चाहिए एक स्विच, तो मैं स्विच कहां से लाऊं भाई, वेट अ सेकंड। देयर वी गो, आ चुके हैं हमको जहां आना था। गाइस रुको मैं समझाता हूँ। देयर वी गो, ये रही वो गाड़ी, यहाँ कहीं मिलेगा क्या, वो ब्रेक में होता है क्या, होता कहाँ है वो, गाड़ी तो पूरी जाम हो रखी है, ब्रेक भयंकर इसको तो वर्क नहीं करता। मैं इसका हैंड ब्रेक उखाड़ के ले जाऊँ क्या, तो गाइस प्लान को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो चलो दूसरी वीडियो ढूंढते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं भाई, लेट्स गो गाइस। थक हार के वापस आ चुका और उस प्लान को मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा, अब मेरे को नई वीडियो ढूंढनी पड़ेगी, तो चलो ढूंढते हैं। ये सही लग रही है, ये कंट्रोलर से बनाया हुआ है क्या। तो गाइस भैया कहना चाह रहे हैं हम आपको एक हैंड ब्रेक बनाना सिखाएंगे, इसको आपके लिए ये एक सामान चाहिए, पता नहीं भैया ने एक कंट्रोलर लिया हुआ है, ग्लूगन चाहिए, एक रबर लिया हुआ है एंड एक पता नहीं कार्डबोर्ड का आई थिंक कुछ है पकड़ने का। तो गाइस पूरी वीडियो देखते हैं पहले क्या करना है मैंने इसमें। वाओ मस्त काम कर रहे भाई, वापस आ रहे अपनी जगह पे। इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए ने ये कुछ भी लगा दिया, दवाई का डिब्बा आई थिंक पता नहीं क्या है भाई ये। तो गाइस सिर्फ ये करना है हमको, फिर ट्राई करना है, तो लेट्स गो चलते भाई, देरी किस बात की। उसमें सबसे मेन चीज हमको चाहिए कंट्रोलर, तो कंट्रोलर हमको मिलेगा, देखते हो कहाँ मिलेगा, पर डब्बो उब्बो में लिखा हूँ, वेट ये रहा, इधर आ जा। तो पड़े पड़े काफी धूल खा रहा था, देखो ये, देखो ये एक ज़ेब्रोनिक्स का पता नहीं कैसा है, और इसका हाँ ये चीज सही है, कर सकते हैं इसके ऊपर कुछ डंडा वंडा लगा के, और उससे पहले हमको इसको जुगाड़ करने का चाहिए, तो इस ये रखूंगा ऐसे, मैं लेफ्ट साइड रखूँ राइट साइड रखूँ, बिल्कुल कंफ्यूजन हो रहा है,
राइट साइड इज मच बेटर आई, और उसकी चिपकने वगैरह की जगह भी देखनी है। इसको मैं यहाँ पर अटकाऊंगा कैसे, क्योंकि ना ये पूरा मेरा मेन पीसी है, मैं गेम खेलता हूँ, एडिट करता हूँ, इसमें सब कुछ एक ही पीसी में, बस इसमें सब काम करता हूँ। एक बार वो हैंड ब्रेक की जैसे रॉड सी थी ना, उसको ढूंढते हैं कहीं मिलती है तो। तो कैसे भी मैं जाऊँ भाई, नजर हटी दुर्घटना घटी। ओके देयर वी गो, मौसम बड़ा सुहाना है। यहाँ पड़ी तो थी यार, ये इस साइड है, इस साइड है, ये तो पानी वाली पाइप है। नो ये है गाइस, भाई ये मिल गया भाई, ये परफेक्ट है ये, क्योंकि ना ये वाली पाइप यहाँ पर ऐसी रखी है तो कम यूज कर सकते हैं। मजा आ गया भाई, सीधा छत में गया, वहीं से मिल गया। चलो नीचे अपने गिरूंगा, इतनी काफी लग रही है मेरे को, यहाँ से सीधा खींचो। लेकिन रबड़ कैसे लगाना है, मेरे को रबड़ लगाना देखना एक बार। ओ इसी पर रबड़ लपेट दिया, ऐसा क्यों हार्ड हो जाए, नाइस यार। भाई यहाँ तो केबल्स बढ़ती जा रही है, इसकी कंट्रोल की भी ऐड हो गई, रबर मिल गई। अब ग्लूगन ढूंढते, लेट्स गो। ग्लूगन भी ले आया मैं, पता नहीं बाबा दम के जमाने में खरीदी थी, आज तक पता नहीं यूज ही नहीं। तो मटेरियल्स भैया ने छोटा वाला डंडा लिया है और हमने इतना बड़ा डंडा लिया है, इसको काटना भी तो है, काटता हूँ अभी। तो गाइस लेट्स गो, अबे भाई चाकू गरम था, देखो ये भी कट गया थोड़ा सा। लेट्स गो गाइस, आ चुके हैं अपना हैंड ब्रेक, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। हाँ गाइस देखो, अब इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट पता चली गया होगा, ये ऐसे होगा और ये कंट्रोलर की मदद से ये पीछे को होगा, अभी तो ये सेट नहीं है इसके ऊपर। तो चलो अब काम अपनी ग्लू गन करे भाई। अरे तो ग्लू भी छोड़ने लग गई, लेट्स गो अब ट्राई करते हैं भाई। कहाँ गया, इसको ऐसे रखूं? चलो जी, तो गाइस लेट्स गो, ये चिपक तो चुका है, ये देखो अभी कहीं भी नहीं जा रहा मतलब। चलो इसको छोड़ते हैं और लेके आते हैं रबर बैंड, फिर इसका रबर बैंड वाला काम करते हैं। तो गाइस लेट्स गो, रबर बैंड भी ले आया, सेम बस थोड़ा मेरा ज़्यादा भारी है तो ये इधर उधर हो जा रहा है। अब मेरे पास इसमें बहुत सारे रबर बैंड है, बहुत सारे साइज़ के, तो मेरे को लग रहा है मेरे को ये वाला यूज़ करना चाहिए, लाइक सीरियसली। बट अब ट्राई करते हैं, क्योंकि इस पर अब यहाँ पर भी लेयर आ चुकी है तो अच्छे चिपक जाना चाहिए। गाइस ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा भाई, पता नहीं इसके ऊपर सारे फिर ही निकल जा रहे हैं, पता नहीं ग्लू गन की दिक्कत है फिर। और आज हमारे साथ हमारे पापा श्री, तो कुछ कर रहे हैं पता नहीं, अपना दिमाग लगा के इसको खुदर सा रहे हैं कुछ। हाँ, इसको एक बार अंदर से काट रहे हैं, अच्छा तभी फिट आ जाए इसके अंदर। हम फेविक्विक भी ले आए, हम टेप भी ले आए, 12,000 रुपये बचाने के लिए कर रहा हूँ मैं सब। तो कैसे देखो अभी पाइप के इस कोने को कुतुर मुतुर करके, मतलब अब इसमें फिट आ गया थोड़ा सा, ये देखो अब मतलब हम फेविक्विक लगाए तो चिपक जाएगा। बाहर से फिर टेप का जोड़ लगा देना, पूरा जुगाड़बाजी चल रही है यहाँ पर, पूरी खाली कर दो। भाई फेविक जोड़ देख रहे हो, वो ग्लू गन लाया था मैं 500 रुपए की, फेविक 5 रुपए की, देखो मस्त पूरी फेविक भर दी इसके अंदर, अब तो नहीं निकलेगा। चलो ये तो रेडी हो गया, अब देखो ये देखो अभी निकल ही नहीं रहा मतलब इससे। अब हमको लगाने हैं इसके ऊपर रबड़, जैसे मैंने पहले लगाया था वैसे ही लगाऊंगा। तो गाइस फाइनली हमारा हैंड ब्रेक रेडी हो चुका है, और मतलब ये काफ़ी हार्ड है यार, ये देखो अगर मैं इसको पुल कर रहा हूँ तो ठीक है, मतलब मस्त पुल हो रहा है। तो गाइस सब सेट हो चुका है, इसको लगा दिए है, अब सिर्फ एक ही काम रह गया है, इसको यहाँ पर सेट करना, कंट्रोलर मतलब हिलना नहीं चाहिए यहाँ से। तो लेट्स गो, अब हम यूज़ कर रहे हैं ड्रिल का, सीधा ड्रिल मार देंगे यहाँ पर, सुराख कर देंगे जो, अरे कील लगा देंगे और फिर इसको बांध देंगे। चलो रेडी, सुराख भी कर दिए। तो गाइस अब इसको बांधने का जुगाड़ लगा रहे हैं यहाँ पर, ये देखो इसको तार से बांध रहे हैं, तो पूरा टाइट कर दो, हिले ही ना कभी जिंदगी में भाई, तो बहुत ही तगड़ा जुगाड़ लगा दिया। तो गाइस चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं इसको, एंड ये पीसी ऑन, वो लेट्स गो, पूरा रेडी हो चुका है अभी। तो गाइस दिस इज मी पीयूषी फ्रॉम द फ्यूचर। तो गाइस आई होप आपने ये वीडियो पूरी यहाँ तक देख ली होगी, एंड आपको अभी तक समझ नहीं आएगा ये एकदम से क्या हुआ भाई वीडियो के बीच में। तो गाइस ये बात है लगभग 1 साल पहले की, ये वीडियो जो आप देख के आए हो ना, ये मैंने 1 साल पहले शूट करी थी, जिसमें आपको मेरी वॉइस का डिफरेंस भी दिख रहा होगा। एंड अब आप सोच रहे होगा कि वो हैंड ब्रेक का है, तो गाइस वो हैंड ब्रेक ना वर्क नहीं करा था लास्ट में, जब मैंने उसको ट्राई किया था एंड तब मेरा मूड खराब हो गया था, एंड मैंने उस हैंड ब्रेक को पूरा फेंक दिया था भाई, एंड उस वीडियो को मेरे को एडिट करने का भी मन नहीं करा, ना ही मैंने वो अपलोड करी 1 साल तक। तो गाइस वीडियो मेरे को थोड़े टाइम पहले मिली, तो गाइस मैंने सोचा उसको एडिट करता हूँ एंड उसको आउटर में अभी शूट कर रहा हूँ। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, सॉरी मैं आपको हैंड ब्रेक नहीं दिखा पाया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं एक अच्छे से हैंड ब्रेक बिल्ड करूंगा या फिर खरीद भी लूंगा भाई अब तो।
बिकॉज मेरे को समझ आ गया DIY हैंडबैग बनाना बहुत हार्ड है. तो लेट्स गो, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय. Cash out, racks out, shorty got her ass out, flexing for the ground, rap Simmons with the tags out, talking like a bitch, so I'ma have to break the max out, talking like he rich, turns out his car's maxed out.